केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि यहाँ पर लैंडस्लाइड में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। करीब 150 के आसपास लोग घायल हैं और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद केरल सरकार ने 2 दिनों का शोक भी घोषित किया है राज्य में। दूसरी ओर भारतीय सेना NDRF समेत विभिन्न विभागों ने वायनाड में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है, तो स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है, पुलिस भी लगी हुई है, NDRF सेना सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन ये हादसा, ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि इसमें वक्त लग रहा है और मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आपको बता दें, सेना ने करीब 1,000 लोगों की जान भी यहाँ पर बचाई है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से बचाव अभियान जो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। वायनाड के चूरामलाई गांव में हुए भूस्खलन ने किस तरह से नुकसान यहाँ के गांव के घरों को पहुँचाया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। इस वक्त आप ये जो घर देख रहे हैं, दरअसल ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ ये घर था और आप देख सकते हैं कि घर का आधा हिस्सा, जिस तरह से जो मलबा तेज़ी से पहाड़ से खिसकने के बाद पानी के ज़रिए यहाँ पर पहुँचा, उसने इस घर को किस तरह से नुकसान पहुँचाया है। आप देख सकते हैं कि इतना तेज़ बहाव था कि खिड़कियों को चीरता हुआ पूरा मलबा जो है घर के अंदर, जो पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस दिख रहा है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मलबा है कि दरवाज़ा भी जो है वो नहीं खुल सकता। मेरे कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे, मैं कोशिश भी करूँगा ये दरवाज़ा खोलने की, तो भी ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खुल सकता। तस्वीरें देख सकते हैं कि घर जो है पूरा उसका सामान यहाँ पर तहस नहस हो गया है। घर में जो लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और मुख्य तौर पर आपको बता दें तो कुछ इसी तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। ना केवल ये एक घर, कई इस तरह के घर जो है वो धराशायी हो गए हैं, कई घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो आप देख रहे थे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, जो दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ भारी बारिश के चलते, उसने किस तरह की तबाही यहाँ पर मचाई है। कहीं भी आपको गाड़ियाँ फंसी हुई नज़र आ रही हैं, मकान धंसे हुए नज़र आ रहे हैं और अभी भी कई लोगों के लापता होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और कई और ये जो हादसा है इसका, ये जिस तरह से जिसने रूप लिया है, इसने सबको चौंका कर रख दिया। 140 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक यहाँ पर जा चुकी है।